स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TMS में। इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 पेपर वन मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री ब्रांड्स ऑफ पेन ए बी एंड सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। मतलब तीन ब्रांड है पेन का, ए बी और सी, और ब्रांड ए में एक पैकेट में 10 पेन, बी में 12, सी में 24 पेन। इफ़ अ शॉपकीपर वांट्स टू बाई इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड, अगर कोई दुकानदार चाहता है कि हम सारे ब्रांड का इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदें, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाई, तो उसको कम से कम हर ब्रांड का कितना पैकेट खरीदना पड़ेगा पेन का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे 10, 12 और 24 का। 10, 12 और 24, 2 5 जे 10, 2 6 जे 12, 2 12 जे 24, फिर 2 से 5, 3 6, फिर 3 से 5 1 2, 2 2 जे 4, 3 जे 12, 5 जे 62 जे 120। यानी मिनिमम नंबर ऑफ पेन अगर हर ब्रांड का खरीदना होगा उस शॉपकीपर को तो 120 कम से कम खरीदना होगा। अब 120 अगर खरीदना होगा, नंबर ऑफ पेन्स एक पैकेट में होता है, ब्रांड ए में 10, तो ब्रांड ए का 12 चाहिए, ब्रांड बी का 12 है एक पैकेट में, तो 120/12 यानी 10 चाहिए, और ब्रांड सी में 24 है एक पैकेट में, तो 120/24 5 चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32, द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, इसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में बांट दिया गया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बिग स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकल गया, अब इसको 4 पार्ट में बांटा गया है इक्वली, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, सारा प्राइम नंबर ऑड नंबर होगा, जी नहीं, 2 भी तो प्राइम नंबर है जो कि ऑड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा, लेकिन हम लोग बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देयर आर इन्फिनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, ये बात सही है। दूसरा है ए प्राइम नंबर्स, सॉरी तीसरा है ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है। हाँ, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 5 है और 1 है, तो किसी भी प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, एक खुद होता है और दूसरा 1 होता है। लास्ट ऑप्शन है, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, ये भी बात सही है, सिर्फ 4 ऐसे प्राइम नंबर है जो सिंगल डिजिट में है, कौन है, 2, 3, 5 और 7, इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 जो कि डबल डिजिट में हो जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो हमारा आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज़, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी से डिविजिबल हो, वो कौन है। ऑप्शन है 10, 100, 600, 4 और 2520। तो हम लोग देखते हैं 10 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 3 से नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 100 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 604 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। ये नंबर वन से डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है, टू फाइव सेवन टू नाइन थ्री से, इसलिए डिविजिबल हो गया। नाइन थ्री से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी थ्री से डिविजिबल है। लास्ट के दो डिजिट से जो नंबर बना है ट्वेंटी, टू ज़ीरो ट्वेंटी, तो ट्वेंटी फोर से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी फोर से डिविजिबल हो गया। वंस प्लेस पर डिजिट है ज़ीरो, तो इसलिए ये नंबर फाइव से भी डिविजिबल हो गया। ये नंबर टू थ्री दोनों से डिविजिबल है, इसलिए सिक्स से भी डिविजिबल हो गया। लास्ट के तीन डिजिट से नंबर बनता है 520, 528 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर एट से भी डिविजिबल हो गया। टू फाइव सेवन टू नाइन, नाइन नाइन से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी नाइन से डिविजिबल हो गया। और वंस प्लेस पे डिजिट है ज़ीरो, इसलिए ये नंबर टेन से भी डिविजिबल हो गया। तो टू फाइव टू ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सभी नंबर से डिविजिबल है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है, तो यही आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आयशा हैज़ ओनली रुपीज़ फाइव एंड रुपीज़ टेन क्वाइंस विद हर, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस शी हैज़ इज 25 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज रुपीज़ 160, देन द नंबर ऑफ रुपीज़ फाइव एंड रुपीज़ टेन क्वाइंस विद हर आर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आयशा के पास पाँच और दस के सिक्के हैं, टोटल सिक्के उसके कितने हैं 25, और रुपया उसके पास कितना है टोटल 160। आपको बताना है कि उसके पास पाँच के कितने सिक्के हैं और दस के कितने सिक्के हैं, जिनको मिला के 160 रुपया हो जाए। ऑप्शन वन है 18 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, मतलब पाँच का कॉइन होगा 18 और दस का कॉइन होगा 7, तो 90 और 70 को जोड़ेंगे कितना होगा 160, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5, इसको सॉल्व करना है। 17.5 इंटू 3 माइनस, वर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करना होगा, 21 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा 3, यहाँ हम 3 को 3 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है, माइनस 3 इंटू 12.5। अब इस तीनों में 3 कॉमन हो जाएगा, 17.5 माइनस 1 माइनस 12.5, 3 इंटू 17.5 में से 1 जाएगा 16.5, और 12.5 और घटाएंगे तो 4 बचेगा, 3 4 जा 12, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज, यानी गार्डन में जितना भी पेड़ है उसमें से छठा भाग नीम का पेड़ है। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज एंड द रिमेनिंग आर यूकलिप्टस ट्रीज, मतलब आधे पेड़ जितने भी गार्डन में पेड़ हैं उसके आधे पेड़ अशोक के पेड़ हैं और बाकी बचे पेड़ यूकलिप्टस ट्रीज हैं। इफ़ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज़ 5, हाउ मेनी यूकलिप्टस ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, अगर गार्डन के अंदर नीम का पेड़ 5 है तो गार्डन के अंदर यूकलिप्टस के कितने पेड़ होंगे। ऑप्शन है 5, 10, 15 और 20। हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टोटल ट्रीज को क्या मान लेंगे x, और नीम का पेड़ है 1/6 ऑफ x, 1/6 ऑफ x 5, नंबर ऑफ नीम ट्रीज 5 यहाँ दिया हुआ है, तो 1/6 ऑफ x बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 इक्वल 30, यानी टोटल ट्री हो गए 30, इसमें से आधे पेड़ अशोका ट्रीज हैं तो आधा होता है 15, 30 का आधा 15, तो 15 घटाएंगे 15 बचेगा, और पांच पेड़ है नीम का तो बचा 10, इसलिए नंबर ऑफ यूकलिप्टस ट्रीज हो गए 10, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ए ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29th अगस्त 2019 एट
16:30 आवर्स एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन 31st अगस्त एट 8:45 आवर्स. द टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ द जर्नी इज, मतलब एक ट्रेन चलती है दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 आवर्स पे और अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य मंजिल पे पहुंचती है 31 अगस्त 8:45 आवर्स पे. तो टोटल ट्रैवल टाइम पूरे यात्रा का क्या हुआ ये बताना है. ऑप्शन दिया हुआ है चार. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से टाइमिंग जो है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 12 आवर्स क्लॉक के हिसाब से. तो 16:30 आवर्स मतलब 4:30 PM, ठीक है. उसके बाद 8:45 आवर्स मतलब 8:45 AM, ठीक है. अब 29 अगस्त को टोटल ट्रैवल टाइम कितना हुआ, तो 29 अगस्त का टोटल ट्रैवल टाइम हुआ 12 माइनस 4:30 7:30, ठीक है. ये 29 अगस्त का है, 29th अगस्त का. 30 अगस्त को पूरे दिन ट्रेन चली है तो 30 अगस्त का ट्रेवल टाइम होता है 24 आवर्स. और 31st अगस्त को ट्रेन चली है 8:45 आवर्स, 8:45 आवर्स, ठीक है. इस तीनों को जोड़ लेते हैं, 24 और 8 32 32 और 7 39 39 आवर 45 मिनट और प्लस 30 मिनट, तो 40 आवर 15 मिनट्स. तो हमारा ये ऑप्शन 4 सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इनमें से कौन सा लेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम. तो हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में है 8500 mm. उसका नेक्स्ट है 800 cm 8 mm, मतलब 8000 mm. उसके बाद 80 dm और 8 cm, मतलब 8080 mm. तो आप देख सकते हैं पहले 8500 mm था, उसके बाद 8008 mm हो गया और अब 8080 mm हो गया. इसका मतलब इसके बाद ये बढ़ गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिसेंडिंग में नहीं है. दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये है 80 dm 8 cm, तो ये हो जाएगा 8080 mm. उसके बाद 8500 mm, तो फर्स्ट के बाद दूसरा जो है ये इससे बड़ा है, तो ये भी डिसेंडिंग में नहीं है. तीसरा देखते हैं ऑप्शन, 8 मीटर मतलब 8000 mm. उसके बाद है 80 dm 8 cm, मतलब 8080 mm. तो इसके बाद ये बढ़ गया है, तो ये भी डिसेंडिंग में नहीं है, ये भी हो गया गलत. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 8500 mm, उसके बाद 80 dm 8 cm, तो ये हो जाएगा 8080 mm. उसके बाद 800 cm 8 mm, तो ये हो जाएगा 8008 mm. और उसके बाद है ये 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8000 mm. तो आप देख सकते हैं ऑप्शन फोर में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, पहले 8500 mm, उसके बाद 8080 mm, उसके बाद 8008 mm, उसके बाद 8000 mm.
तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। 180 सेंटीमीटर लंबा एक वायर है, उससे एक रेक्टेंगल बनाया गया है। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। हम लोगों को लेंथ बताना है। रेक्टेंगल है, 180 सेंटीमीटर लंबा वायर से बनाया गया है, मतलब इसका पेरीमीटर होगा 180 सेंटीमीटर और इसका विड्थ है 30 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल 180 सेंटीमीटर। एल प्लस बी इक्वल्स 90 सेंटीमीटर। बी कितना है, एल प्लस बी कितना है, 30 सेंटीमीटर बराबर 90 सेंटीमीटर। एल इक्वल्स 90 माइनस 30 सेंटीमीटर इक्वल्स 60 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, इसीलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।